ये लॉलीपॉप वाला गुलदस्ता लेके शर्म नहीं आई तुम्हें? कितना बेकार है। क्या? इडियट कहीं के लूजर, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? हाँ? हाँ? क्या सही में? बताओ। ये कर रही है? मैंने इसमें बहुत मेहनत की है, मैंने खुद बनाया है इसको। मैं अभी डाइट पे चल रही हूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं मोटी हो जाऊँ? इडियट कहीं के अभी निकलो मेरे घर से। बस अब और नहीं यार, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, बस बहुत हो गया तेरी हंसी। ओ एलिस, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? तुमने क्रिस को क्यों भगा दिया? वो एक नंबर का लूजर है, वो मेरी परवाह बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन मेरी प्यारी, आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना? हैप्पी बर्थडे! चुप हो जाओ तुम लोग, मेरा बर्थडे खराब हो चुका है, सब बकवास है। ये सब बकवास है। देखकर तो लगता है कि जैसे ये पार्टी खत्म हो चुकी है, अब मैं घर जा रहा हूँ। hey, नेट, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? निकल जाओ तुम लोग, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब समझे मैं साफ साफ, एलिस फिर से बेइज्जती करना चाहती है। चलो गाइस, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है, जाओ। एलिस बस कर यार, शायद तू और क्रिस फिर से साथ हो जाए। भी नहीं, मैं उसके बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। एलिस ठीक है तो प्लीज उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू ईवा। अरे यार, मुझे एलिस के लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है, उसका बर्थडे पर ब्रेकअप हो गया, बहुत बुरा है। ए चमक छल्लो। हाँ, वेट, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ और क्या, यहाँ सर तेरे जैसी रसमलाई तो है। मुझे लग रहा है कि तुम गलत इंसान से बात कर रहे हो। ए, कहाँ जा रही है? खत्म ना हो ये भी बात। अगर ये एलिस के बारे में है तो वो तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है। एलिस गई है स्टेजी मराने भाई, तू समझ रही है ना मेरे इरादे क्या क्या है? नहीं। मेरा तेरे पे दिल आ गया और अब तू मुझे चाहिए भैया पूरी तरह से। क्रिस, ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? क्या तुम सीरियसली बोल रहे हो क्या? अब आ गया मेरा दिल तो क्या करूं, जाने जा जीव या ना जीव या मरूं। समझ रही है? क्या ये कोई मजाक है? मैं स्कूल के बाद 3 बजे तक इंतजार करूंगा, तेरे को मस्त कोई गोपचे में ले चलूंगा। अरे यार, हमें एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स क्यों मिलते हैं, क्यों देते हैं? अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम क्या कर रहे थे, हम तो बस यहाँ से निकल रहे थे, तुम भी निकलो। ईवा, तुम्हारे माथे पे कुछ लगा है। कुछ चिपक गया है, वैसे मैं अभी होकर आती हूँ। तेरा इंतजार रहेगा। ये लोग कितना अजीब बिहेव कर रहे हैं। चलो जो भी हो, हमें होमवर्क करना है। गुड बाय क्रिश, मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए, तुमने मुझे निराश किया है। मुझे सब कुछ एलिस को बताना पड़ेगा, उसे पता चलना चाहिए कि क्रिस मुझे चाहता है। ओह ईवा, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। हे एलिस, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्रिश के दिए हुए सारे गिफ्ट फेंक रही हूँ, मेरी मदद करोगी है ना? हाँ जरूर, मैं मदद करूंगी। मैं उस लूजर से इतनी नफरत करती हूँ। एलिस जरा सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना है? जब मैं लोकर के पास थी तो उसने मुझे कमीना कहेगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने फैसला कर लिया है, अगर क्रिश की नई गर्लफ्रेंड बनती है या वो किसी को पसंद करता है तो मैं उन दोनों को बर्बाद करके रख दूंगी। तुम सच में उन्हें बर्बाद कर दोगी? हाँ, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी, उसे हर चीज का हिसाब देना होगा। तुम क्या कह रही थी? वो बस ये याद दिलाना था कि क्रिस एक नंबर का इडियट है। थैंक यू ईवा,
तुम हमेशा मेरे साथ हो, एक सच्ची दोस्त की तरह हो बिल्कुल तुम। हे, चलो शॉपिंग करते हैं और थोड़ा रिलैक्स करते हैं। हाँ चलो, मैं तैयार होकर आती हूँ। संभाल के, ये सब कृष की गलती है, उसने मुझे ये स्टूपिड सा गिफ्ट दिया था, ये सब फेंकना होगा अब। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, चलो सब ठीक है। वेल, ये मैं कैसे बताऊँ एलिस को कि क्रिस ने मुझे लाइक किया है। वेल, ये मैं उसे फिर किसी और दिन बता दूंगी। ईवा, मुझे शॉपिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। चलो ना, तुम्हारा मन बन जाएगा जल्दी। क्या वो इडियट मुझे अभी भी कॉल कर रहा है? ईवा, क्रिश तुम्हें कॉल कर रहा है, पर क्यों? वो तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है? पता नहीं, वो शायद मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा होगा, है ना? क्या लूजर है, कॉल काट दो उसका, वो फालतू अब तुम्हें भी परेशान करेगा। हाँ, बिल्कुल, चलो ना कपड़े सिलेक्ट करने चलते हैं। ठीक है। फिर से क्रिश? हो नहीं, मेरी मॉम। हेलो। हाँ मॉम। क्या, कैसे? हे भगवान। हाँ, ठीक है, मैं घर आ रही हूँ। ठीक है, बाय। हाँ, क्या हो गया? मेरी मॉम के घर में आग लगी है, शायद शॉर्ट सर्किट। मैं जा रही हूँ, बाय 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 बाय। वेल, लगता है शॉपिंग का प्लान खत्म हो गया। मॉम, आग कहाँ लगी है? मुझे समझ नहीं आता। आ जाओ हनी, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरे घर में किसने बुलाया? हीवा, हमारे घर में आग लग गई थी, फिर क्रिस आया, उसने आग बुझाई और साफ करने में मेरी मदद की। क्रिस तो बिल्कुल हीरो है। अरे धन्नो, ऐसा कुछ नहीं है। क्रिस कितना नेक इंसान है, तुम्हें इसी के जैसे बॉयफ्रेंड की जरूरत थी। यहाँ से निकल जाओ, मेरे घर से तुम निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तेरो क्या मिर्ची लग रही है? ईवा, शांत हो जाओ, तुम घर में आए मेहमान के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर रही हो, पागल हो गई क्या? मेहमान नहीं है, वो शैतान है, मैंने कहा निकल जाओ। नहीं जा रहा मैं कहीं भी, तेरी मम्मी के संग चाय पी रहा हूँ बस। तो ये लो चीज केक के मजे लो, या तुम्हें चाय भी चाहिए? क्रिस, हमें माफ करना, आज मेरी बेटी का मूड काफी खराब है। मैं निकल ही लेता हूँ, फिर कभी अकेले में चाय बुला देना। और एक बात कान खोल के और सुन लो, दोबारा इस घर में मत आना। ईवा, क्या तुम पूरी पागल हो गई हो? तुम मेहमानों के साथ इस तरह बिहेव नहीं कर सकती। बस। क्या ईवा, तुम क्रिस जैसे अच्छे लड़के के साथ डेट क्यों नहीं करती? वो कितना स्मार्ट, हैंडसम, केयरिंग और काइंड है। बस, वो बहुत बुरा है, तुम उसे बिल्कुल भी नहीं जानती हो। ईवा, पागल लड़की। हाँ क्रिश, तुम्हें इसका पछतावा होगा, तुम मुझे वापस पाने के लिए रोओगे। सलाम मुलिया वेलिस, परेशान तो नहीं कर रहा? मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। डब्बे में कहाँ रखा है? तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट्स हैं, वापस ले लो इन्हें। इधर आ जाओ, मैं यार तेरी चुम्मी लेना चाहता हूँ। हाँ, फटाक से मैं चुम्मी दे। हाँ, चलो किस करो। तेरी बहुत याद आई, ऐसी चिपकी थी। तो ईवा का क्या हुआ, तुम्हारे जाल में फंसी? नहीं, मैंने बहुत कोशिश करी, पर यार मेरे जाल में फंसी नहीं वो मछली। मैं सोचा था अकेले मिल जाएगी तो उसका काम 35 कर दूंगा मैं। क्या वो सच में एक सच्ची दोस्त हो सकती है? शायद उसे टेस्ट करने का आइडिया तो बढ़िया था। हाँ, मेरे बर्थडे पे लड़ने और फिर ब्रेकअप का मस्त आइडिया था। अच्छा तो ये बता, अभी अपने प्लान के बारे में क्या? बिल्कुल, हमें ईवा को पाना है। ठीक है, समझ गया, चल इसी बात अपना फोन दे मुझे। ये लो। पर क्यों? मैं उसे तेरे नंबर पर टेक्स्ट करूंगा, तू एक काम करी, उसे बाहर बुला लियो, फिर मैं वहाँ आ जाऊंगा। ऑसम, ग्रेट आइडिया, चलो फिर करते हैं। और ये ले, हो गया, मैं ईवा फुलझड़ी से मिलने जा रही हूँ। हे, उसे ऐसे मत बुलाओ। अरे यार, मजाक नहीं कर सकता। संभल के, वरना तुम तो गए। वो, ये सब क्या है, मुझे समझ नहीं आता। आप आ गए मैडम, मैं शुरू करता हूँ। एक वायलिनिस्ट, क्या एलिस ने ये कॉन्सर्ट सेट किया? और ये ड्रेस क्यों, मुझे समझ नहीं आता। ईवा, आप प्लीज यहाँ बैठिए। क्यों? तुम खुद ही देख लोगी, चलो तुम्हें टेबल तक ले चलो। लो जी, हम आ गए। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुमको डेट पे बुलाए रहे थे, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे थोड़ा।
तुम क्या पागल हो? एलिस ने मुझे टेक्स्ट किया था, उसने मुझे यहाँ बुलाया है। हमें तो तुमरे को फोन पे मैसेज किए रहे ना, ओकरा को नहीं ना पता चलेगा। बस बहुत हुआ। नहीं रुक जा, तू नहीं जा सकती। मैंने तेरे ड्रेस खरीदी है और इतना खर्चा हो गया बे। तुम पागल हो, ये सही नहीं है, एलिस मेरी दोस्त है। तो मैं की करा, मेरा तो दिल तेरे ते आ गया, मेरे दिल जो तेरे ना था FM बज रहा है। क्या रे जबरे? क्यों क्यों क्रिस, क्या तुम बेवकूफ हो? मैं तो कह रहा हूँ तू भी मेरे से प्यार कर ले यार। ऐसी क्या बात है जो हमारे दिल को एक होने से रोक रही है यार? क्रिश याद है? कल हमारी एनिवर्सरी है, याद है ना तुम्हें? अरे हाँ, और क्या, बिल्कुल। मैं तेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, तो कल देखना। क्रिश तुम सबसे बेस्ट बॉयफ्रेंड हो, आई लव यू। वाओ, एलिस कितनी ज्यादा लकी है, उसका बॉयफ्रेंड कितना अमेजिंग है। वैसे वो बहुत ज्यादा ही गॉर्जियस है, ऐसे मेरी तरह नहीं। काश क्रिस मेरे साथ होता। अरे नहीं, ये मैं क्या कह रही हूँ, नहीं 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 नहीं। तो अब क्या? क्रिस, मैं एलिस को धोखा नहीं दे सकती। अरे उसको कौन कुछ बता रहा है, हम चोरी छुपे मिलेंगे, वैसे ही सब कुछ निपटा लेंगे। तुम्हें ये लगता है ये चलेगा क्रिस? अरे बोलो यार, यहाँ बैठ तू। संगीतकार यहाँ बैठ, थोड़ा मूड सेट कर मेरा यार। क्रिस मुझे बहुत नर्वस लग रहा है। फिकर नहीं करने का इवा, मैं तेरे साथ हूँ। ये बहुत गलत लग रहा है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे चलेगा। मैं तेरे से प्रॉमिस करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। वेल, मैंने और क्रिश ने एक प्लान बनाया है, उम्मीद है कि वो चलेगा। ओह वाओ, ये क्या है? हाँ एलिस, ये सब तुम्हारे लिए। गर्ल्स क्यों, और ये स्वीट क्यों? क्या तुम लोगों को नहीं पता कि मैं डाइट पे हूँ? हाँ, हम बस तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तुम लोग? मैं ठीक हूँ। तुम ठीक कैसे हो सकती हो? तुम्हारे BF ने तुम्हें डम किया या तुमने उसे किया, ये कंफ्यूजन है। गर्ल्स सीरियसली, क्रिश और मैंने ब्रेकअप किया है, सैड नहीं हूँ मैं। लेकिन बस क्रिश के बारे में और कोई बात नहीं है, और वैसे भी ये तुम्हारा मैटर नहीं है, तो दूर रहो इससे। तुम लोग कुछ समझे क्या? हाँ नहीं, एलिस अजीब लग रही है। टूटे हुए दिल से इतनी खुश एलिस जैसी नहीं लगती। वेल, देखते हैं आगे क्या होता है। अरे तनिक अंदर तो आओ। क्रिस, कई हमारी डेट है ऑलरेडी? अभी नहीं, तुमरे को थोड़ा स्टाइलिश होना पड़ेगा। अभी हम तुम्हारे लिए स्टाइलिश के पास लिया है, ताकि तुम पसंद ही लगो। क्यों? अरे तुम्हें मेरे लेवल को मैच करना है ना। तो चलो शुरू करते हैं, हम तुम्हें बिल्कुल ही गॉर्जियस बना देंगे। हाँ बस अच्छे से करियो, ते चक्कर में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। ओ हाँ बिल्कुल सर। सब कुछ सेट है, तुम्हारा साथी ढांस लग रहा है। क्रिस, मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक है फिर, लेकिन एक काम करना, थोड़ा और ठीक कर दे। अबे चिकने, जितने कम टाइम में हमने किया ना, हमने अपना बेस्ट दिया है, समझा क्या? ठीक है ठीक है, बढ़िया लग रही है। चल इवा आजा। बड़ा और कर सकते हो वाला। मुझे यहाँ लाने के लिए बहुत शुक्रिया, ये बहुत अमेजिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। तेरे लिए कुछ भी करूँगा मेरी जाने वन। एक बाटली में तेरा पेट भर जाएगा, ये कॉल लूँ पॉपकॉर्न का? जरूरत नहीं है, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। अरे मेरा मतलब था मेरे लिए। हाँ बिल्कुल। देखो सनी देओल की पिक्चर लगी है, मस्त देखेंगे, मस्ती होगी है, देखें। ओ, मुझे लगा कि हम कॉमेडी देख रहे हैं या फिर कार्टून। इवा, मैं वो आलतू फालतू की पिक्चर नहीं देखता, एक्शन मूवी देख रहा है, बता रहा हूँ मैं। ओके ओके, समझ गई। अरे लड़कियों, हम बहुत हंसने वाले हैं, ऐसा लग रहा है हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। अरे नहीं, गर्ल्स आ रही है, हम पकड़े गए। अरे परेशान का हो रहा है, मैं देख रहा हूँ।
क्रिस, तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम लड़ुआ ले भी आए, हम मूवी देख भी आए थे। वेल, तुम पहले एलिस के साथ यहाँ पर आते थे। तो मैं क्या बताएं, हम अकेले ही आते हैं, हमें कौन की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है क्रिस। मेरा थोड़ी ठीक है, मेरा मतलब है। अच्छा चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। ठीक है चलो, मूवी शुरू हो रही है। पूरे पैसा वसूल करियो, चलो। बच गए यार। अरे हम कह रहे थे सब ठीक हो जाए यार। मुझे अब भी यकीन नहीं है। ये क्रिश फोन क्यों नहीं उठा रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसे? ओफो, क्या हो गया है? फाइनली तुम आ गए। राम राम एलिस। तो मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम्हारा फोन ऑफ था। अरे बैटरिया खत्म हो गई थी। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन मुझे ईवा के बारे में बताओ। हम कहाँ जाने हैं? क्या मतलब है तुम्हारा नहीं पता? तुम्हें हमारा प्लान याद तो है ना? याद है यार, काय को हल्ला मचा रही तुम। ओह तो क्या उसने तुम्हें पसंद किया, तुम उससे जीत गए हो? नहीं जीत पाए। सीरियसली, उसने तुम्हें एक बार भी देखा भी नहीं? नहीं, ईवा तो मुझसे बची रही। अरे हम कह रहे थे सब ठीक हो जाए यार। ये क्रिस वो सच्ची दोस्त है, मैंने उसमें बेकार में ही शक किया। ईवा बहुत अच्छी है, वो सच्ची है यार। तो थोड़ी और कोशिश कर लो और फिर बाद में सब बंद कर देंगे। ज्यादा चाचा चौधरी बनने प्लान तब खत्म होगा जब मैं चाहूंगा। वाओ क्रिस और ईवा, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्रिस, मुझे बहुत खुशी है कि हम पिकनिक पर आए हैं। अरे आज की लड़ाने के बाद ऐसे ही खोपचे ढूंढने पड़ते हैं। यहाँ जो चाहे करो, दुनिया से ना डरो। मैं कंफ्यूज्ड हूँ, ये बास्केट और ब्लैंकेट क्यों लाए हैं? क्या हो रहा है ये? क्रिस, मैंने हमेशा एक रोमांटिक पिकनिक का सपना देखा था, और ये तुम्हें कैसे पता? हमरे को तो बस ये पता है कि तुम्हारे को क्या पसंद है बस। क्रिस तुम अमेजिंग हो। क्या? कैसे? ये गले मिल रहे हैं। मुझे अभी एलिस को बताना होगा ये। और मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज भी है। क्या है वो? मैं तेरे को अपनी कार दे रहा हूँ। ये रही उसकी चाबी। क्रिस ये कैसे पॉसिबल है, ये तो इतना बड़ा गिफ्ट है। कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है जाने मन। ये क्या है, एरियल ने फोटो भेजी है? इतनी सारी फोटो भेजी? क्या ईवा और क्रिश? लेकिन उसने तो कहा था ईवा इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन यहाँ तो नहीं, यक, मेरा फोन। ये नहीं, और अब मेरा फोन भी। क्रिस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये सबसे बेस्ट डेट है मेरी। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया। मैं तुम दोनों से नफरत करती हूँ, कैसा कर सकते हो, तुम दोनों गद्दार हो। एलिस तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो, चुड़ैल कहके मेरे बॉयफ्रेंड को चुराने की कोशिश कर रही हो? एलिस वैसा नहीं है जो तुम समझ रही हो, मुझे समझाने दो। हाँ एलिस, तुम गलत समझ रही हो। तुम लूजर हो, तुमने मुझे झूठ बोला। हेट यू, हेट यू। एलिस सॉरी यार। और मैं तुमसे भी नफरत करती हूँ ईवा, तुम एक सांप हो, तुम हमारा टेस्ट फेल कर गई हो, समझी? क्या, कौन सा टेस्ट? क्रिश और मैंने एक फेक ब्रेकअप किया ताकि हम तुम्हें टेस्ट कर सके, और तुम उस टेस्ट में फेल हो गई हो। क्रिश तुम कैसे? एलिस मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहती थी, तुम अब मेरी दोस्त नहीं रही हो, और तुम तो बिल्कुल दूर रहना, इडियट कहीं के देखना नहीं चाहती तुम्हें। खेल खत्म हो गया है यार। तूने मेरे कान में चपेड़ क्यों मारी ईवा? इडियट, ये सब एक चाल था, मैं इसमें कैसे फंस गई? मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, अब एलिस मुझसे बात नहीं करना चाहेगी। अरे भूल जा, वैसे टांका बढ़ाने के लिए हम जो चाहे साथ में कर सकते हैं। तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे एलिस से माफी मांगनी होगी। एलिस अब सब मैं अपने तरीके से करूंगा, ये लौंडिया बहुत पछताएगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसने मुझे धोखा दिया, और मेरी बेस्ट फ्रेंड वो मेरे बॉयफ्रेंड के प्यार में गिर गई और उसने भी धोखा दिया। एलिस तुम कैसे हो? हम तुम्हें सपोर्ट करने आए हैं। मैं
बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो बड़ी ट्रेजेडी है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारा बॉयफ्रेंड। हाँ बस करो, मैं उनके बारे में सुनना भी नहीं चाहती, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वाओ, ये बॉक्स क्या है? ये बहुत प्रेटी है। ये सारे क्रिश के गिफ्ट है, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। ये बीट्स कितनी क्यूट है, क्या मैं ही ले सकती हूँ? नहीं, तुम नहीं ले सकती, छू भी नहीं सकती इन्हें। मैं इसे अभी जला दूंगी, कोई इन गिफ्ट को छू भी नहीं सकता है। ओ नहीं, लाइटर भूल गई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। बहुत सैड हूँ एलिस के लिए, क्रिसी को भी क्रिस के जैसा बॉयफ्रेंड ना मिले। सिंडी, तुम क्या कर रही हो? यहाँ कितनी कूल चीजें हैं, मैं बस कुछ ले रही हूँ, एलिस को वैसे भी इनकी जरूरत नहीं। अब सिंडी शांत हो जाओ यार। ये कूल टॉप तो देखो, मुझे ये बहुत पसंद था, फाइनली मुझे ये मिल ही गया। तुम्हें पता है शायद हमें सब कुछ ले लेना चाहिए। हे गर्ल्स, हम ये क्या कर रहे हैं? चलो पूरे बॉक्स को रूम में ले जाते हैं और फिर चेक करते हैं। चलो करते हैं। रुको, लड़कियां कहां गई? और लड़कियां भी नहीं है और बॉक्स भी नहीं है। उन्होंने सच में ले लिया, चुड़ैल कहीं की। ईवा 2 घंटे से रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है? मैं उसे कितनी बार कॉल कर चुकी हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है, पता नहीं क्या बात हो गई है। ओह गॉड, फिर से फोन नहीं उठाया, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। मुझे छोड़ो, तुम क्या करो नेट? अरे यार, मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ जो क्रिस ने मुझसे कहा था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे छोड़ो नेट, मुझे छोड़ो। घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम बेसमेंट में चल रही हो। बेसमेंट क्या मतलब? मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, अब तुम्हारा मुंह बंद करना ही पड़ेगा। ये नहीं है। अच्छी लग रही हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ए सिंडी, तुम्हें ये बीट्स चाहिए थे क्या? हाँ। मैं ले सकती हूँ क्या? वैसे भी तुमने इतना कुछ ले लिया है। ठीक है, ले लो। थैंक यू। हे लड़कियों, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुमने मेरा बॉक्स ले लिया वहाँ से? ले लिया, तुम वैसे भी इसे फेंकने ही वाली थी। तुम लोग पागल हो गए हो बिल्कुल। हेलो मिसेस क्रिस्टी, हमें ईवा नहीं मिल रही है, हम बहुत परेशान हैं। वो पता नहीं कहाँ चली गई है, मुझे भी नहीं मिल रही है, अगर तुम्हें कुछ पता चले तो प्लीज मुझे बता देना। हाँ हाँ, मैं अपने दोस्तों से पूछती हूँ, बाय। क्या हो रहा है? ईवा की मॉम को वो नहीं मिल रही है। हाँ, शायद वो क्रिश के साथ है, वो दोनों प्यार में जो है ना। गर्ल्स, तुम्हें यकीन नहीं होगा, मुझे हॉलवे में ईवा का एक स्नीकर मिला। क्या वो क्रिश के साथ एक स्नीकर में पार्टी कर रही है? ये सब बहुत अजीब है। ठीक है, मैं क्रिश को कॉल करती हूँ, शायद वो उसके साथ हो। हेलो। हाँ हेलो क्रिश, क्या तुमने ईवा को देखा है? मुझे उससे बात करनी है लेकिन वो मिसिंग है। मैंने उसे कहीं नहीं देखा, तुम्हारा फोन मत करियो। गॉड, वो क्या है, क्या हुआ उसे? ईवा क्यों चिल्ला रही है? पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। Oh my God, क्या क्रिस एक डाकू है? कुछ भी हो सकता है, अब हम ईवा को कहाँ ढूंढें? अगर तुम्हें हमारी जरूरत है, हम मदद करेंगे। ईवा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब उसे मेरी मदद की जरूरत है। खैर ईवा, अब तेरे को दिक्कत दूंगा। तुम पागल हो, मैं ये कैसे समझ नहीं पाई कि तुम एक जालिम हो। लगता है तेरे को जालिम लौंडे पसंद है। मेरे से प्यार करती है कि नहीं? उदा नहीं, मैं किसी से भी प्यार नहीं करती हूँ, ये एक गलती थी, गलती। हाँ, बोलती रहे तब तक मेरी चुम्मी ले लो। दूर हो जाओ, मुझे किस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक बेवकूफ और धोखेबाजो समझे। मैं खाने के लिए खाना लाए हूँ और उसके स्नीकर्स मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। ये सही नहीं हुआ, कोई और उसे ढूंढ लेगा, वो उस बेवकूफ लड़की को ढूंढना शुरू कर देंगे यार। तुम एक बेवकूफ हो, बेवकूफ बेवकूफ समझे, बेवकूफ। पागल लड़की, लो चुपचाप खाना खाओ वरना भूखी रह जाओगे। तुम लोग कितने अच्छे हो, खाना लायो मेरे लिए, क्रीपी कहीं से। अपना मुंह बंद रख, अगर मुंह बंद नहीं रखा तो रस्सी को तेरे मुंह में डाल दूंगा। मुझे अभी छोड़ दो वरना तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, मैं रिपोर्ट फाइल करूंगी, तुम लोग बच नहीं पाओगे, मैं बता रही हूँ। यार बस बहुत हो गया क्रिस, इसे जल्दी से बात की, यहाँ पर बैठेगी फिर से पता चलेगा कि बात कैसे करनी होती है।
सुनिए ऑफिसर, मुझे एक मिसेस क्रिस्टी आराम से चलिए प्लीज, ध्यान दीजिए। अरे तुम्हें चक्कर आ रहा है क्या? वेरी फनी ऑफिसर, मेरी क्लासमेट जो है वो मिसिंग है और मेरी बेटी भी। अरे वाह, क्या आज दो लोग मिसिंग है, ये तो बड़ी बात है यार। नहीं नहीं, वो दोनों सेम है, ईवा मिसिंग है, उसे ढूंढने में मदद करो प्लीज, हमारी मदद करो। देखिए ऑफिसर, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं ये सदमा सहन नहीं कर पाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी और तुम्हारी क्लासमेट को ढूंढ लेंगे। अरे इसकी रस्की डंग स्नीकर कहाँ है, मुझे कोई नाम और निशान नहीं मिल रहा है। एरियल जरा देखो, ये क्रिस है। ओह चलो उसके पास जाकर ईवा के बारे में पूछते हैं। अरे नहीं, ऐसे उसे डरा देंगे, अभी हमें उस पे नजर रखनी होगी। समझ गई। अरे नहीं ठीक है, मैं कहीं और ढूंढ लेता हूँ यार। सुन नेट की औलाद, स्नीकर नहीं मिल रहा है मुझे, मैं बाहर चेक करता हूँ। ठीक है बाकी जय। तुमने सुना बेसमेंट? क्या उसने ईवा को वहाँ बंद कर दिया? अरे नहीं, ये डंडा उठाकर उसके सिर पर मारो जल्दी। लेकिन चुप रहना समझी, हम नहीं चाहते कि वो हमें देख ले। तुम मारा बैठा करेगी बे? नहीं 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 प्लीज, हम बस फ्लोर पर पोछा फेर रहे हैं। किसको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो बे? मैं तुम्हें ईवा के साथ बंद कर रहा हूँ अभी के अभी, समझ गए ना? बचाओ! क्रिस मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। चल मेरे साथ अभी के अभी। क्या हो रहा है? एरियल किटी फोन उठाओ। यार मैंने सारी जगह ढूंढ लिया, अब मुझे बैकअप बुलानी ही पड़ेगी। ये पूरे सपने से कम नहीं है, वो कहाँ हो सकती है अगर किडनैप हो गई है तो? ऑफिसर मुझे मेरे फ्रेंड्स नहीं मिल रहे हैं। क्या वो लोग भी गायब हैं? मुझे नहीं पता। ये सब क्या हो रहा है, स्कूल में सब गायब हो रहे हैं। गर्ल्स ये सब जाल है। तू कहाँ थी? किटी और मैंने हॉलवे में क्रिस को देखा, मैंने उसके रेडियो पे सुना ईवा बेसमेंट में है। हे भगवान, कहीं वो मेरी बेटी तो नहीं है? और किटी कहाँ है? फिर क्रिस ने किटी को पकड़ लिया, वो मेरे पीछे भी था लेकिन मैं बच गई। बेसमेंट? अच्छा तो कौन जानता है कि बेसमेंट कहाँ पर है? ओ, शायद मुझे पता है, चलो सब मेरे पीछे आओ। तुम हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? यार क्रिस इन्हें कुछ समझाना, मुझे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा है। क्या समझाना यार, इन बेवकूफ लड़कियों से तंग आ गया हूँ मैं, इनको बस सबक सिखाना था। ओके ठीक है, मैं समझी हूँ कि ईवा यहाँ पर क्यों है, लेकिन तुमने मुझे क्यों पकड़ लिया है? तेरे को राज पता चल गया था, तेरी फ्रेंड भी बस आती होगी यहाँ पे। तो फिर ये सब मिलकर हमारा दिमाग खाने वाले हैं। अबे यार या तो बहुत रोना धोना होगा, ड्रामा के लिए तैयार हो जाओ। अबे तूने ये नहीं बोला था ये सब भी होगा, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, तुम अब जेल में जाने वाले हो। हाँ मैं आपको पहले बता दूं, मुझे भी नहीं पता था, इसने मुझे यहाँ पर बांध के रखा था। लड़कियों जल्दी उठ जाओ, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। हमने तुम्हें ढूंढ लिया। किटी तुम ठीक हो? अब ठीक हो? ठीक है, तुम दोनों खड़े हो जाओ अपने हाथ सर के ऊपर। मगर आपने हमें ढूंढा कैसे? तुम्हें वो जगह चुननी चाहिए थी जिसे मैं नहीं जानती बेवकूफ। कितना अच्छा है कि हमें ढूंढ लिया, किटी और मैंने कितने आंसू बहाए हैं यहाँ पर। चलो यहाँ बहुत बुरा है। मम्मी क्या आपको सच में चिंता थी? हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकती। छोड़ो छोड़ो ये सब जाने दो। कोई बात नहीं मम्मी, अब यहाँ पर सब ठीक है। मैंने ही क्रिस को इतना बढ़ावा दिया, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती, मुझे माफ कर दो बेटा। मम्मी अब सब ठीक है, चलो। हाँ एलिस, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? श्योर, अंदर आओ। एलिस मैं तुमसे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। हाँ तुमने क्या किया है? वो मैं गलती से तुम्हारे लड़के के प्यार में गिर गई, और ये जानबूझकर नहीं किया, वो ये सब मेरी ही गलती है। वेल तुम्हें ब्लेम करना बनता है, कृष्ण ने पहले ही कहा था कि तुम सैडी हो और तुम्हें टेस्ट करना चाहिए। व्हाट सीरियसली? एलिस ये क्रेजी है, तेरी युवा मेरे को दोबारा ताक रही थी बे। ये तुम क्या कर रहे हो? और क्या, सही कह रही हूँ मैं यार,
लगता है मेरे से सेट हो जाएगी लौंडिया। हाँ, मैं ईवा के साथ 5 साल की दोस्ती में हूँ, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती है। चल टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं मुझसे सेट हो जाएगी वो या नहीं। तुम सच कह रहे हो क्रिश, ये बिल्कुल फनी नहीं है। रुक 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 रुक, प्लान पता क्या है, मैं उसे पटाऊंगा, अगर वो उससे पट गई ना तो वो तेरी असली दोस्त नहीं है। विल, मुझे ये सब नहीं पता, ये अजीब लग रहा है लेकिन मजेदार भी लग रहा है, हमें टेस्ट करना चाहिए। तो बता मैं कब से शुरू कर दूं अपनी चालें। ईवा जरूर पट जाएगी, मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ अभी तो। एलिस को थोड़ी छोड़ने वाला हूँ। शायद ईवा इसमें नहीं आएगी, या आएगी। क्रिश चलो शुरू करते हैं, मैं सच में बहुत क्यूरियस हो रही हूँ। एलिस प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इतनी स्टूपिड हूँ, मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की है। क्या हम दोबारा से फ्रेंड्स बन सकते हैं, ये बताओ। फ्रेंड्स? हाँ, हम सब भूल जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। तुम प्लीज क्रिस को भूल जाओ, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें दोबारा धोखा नहीं दूंगी। पता है क्या, मैंने तुम्हें क्रिश से बचाने में मदद की, लेकिन दोस्ती तो दोबारा कभी नहीं करूंगी, भूल जाओ। एलिस प्लीज मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। बस छोड़ो इसे, हम यहाँ पे खत्म कर चुके हैं, बस तुम अब यहाँ से चले जाओ, दोबारा शुरू करते हैं, मुझे माफ कर दो प्लीज एलिस, प्लीज एलिस। इंतजार करूंगा मैं। अबे मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। ओह, एक सेकंड रुकना। हाँ ठीक है। अरे हाँ ठीक है। मैं समझ नहीं पा रही और वीडियो फ्रीज हो गया। देखो ना क्रिस कितना क्रीपी है। अबे वो चूता कहाँ गायब है? मतलब स्नीकर। मेरी लड़के को चुराने की कोशिश कर रही हो? मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ।